TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। बोलो ना यार, तुम सच में घर नहीं आओगी? तुमने ठीक कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन करण उससे पहले मैं एक बेटी हूँ और मैं मेरी माँ का घाट डाल नहीं सकती। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है और इस पे सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं? आई मीन प्रीता एंड फैमिली। अब उन्हें आपकी कदर होगी, अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। एक बात कहूँ प्रीता जी, वो लोग ना आपके लायक बिल्कुल नहीं है, आपके लायक सिर्फ मैं हूँ। वो करण, कितनी कोशिश की थी तुमने कि मैं इस घर से बाहर हो जाऊं, लेकिन मैं तो इसी घर में हूं और वो भी फुल रिस्पेक्ट और लाड़ प्यार के साथ। और वो तुम्हारी मिडिल क्लास पिता, वो इस घर से बाहर हो गई और वो भी डांट फटकार के साथ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी मुझे इस घर का हिस्सा समझो और रिस्पेक्ट करो, वरना इस घर की होने वाली बहू तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ शाले? अपनी जीत से खुश हो? मैं नहीं चाहती कि इन दोनों को पता चले कि प्रीता ने शर्लिन के खिलाफ करण का ब्रेन वॉश कर दिया है। खुश क्यों नहीं होगी बेटा, हम इतनी खुशी की बात तो है। अरे कितना प्यार करती है ऋषभ से, जानते हो ऋषभ के लिए इसने स्लैम बुक बनाई है जिसमें इसने अपनी और ऋषभ की मेमोरीज को कैद कर रखा है। Isn't that cute? इसे कहते हैं ट्रू लव। राइट। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करीना कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, वरना कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ पर रहता ही है। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं? अब एक्चुअली वो सुन मोनिश, काम हो जाना चाहिए। हाँ आई मीन मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन चाहिए जिससे जिस पर सभी लोग यकीन कर लें। हाँ मतलब एकदम गारंटी से 100% कंफर्म, समझा? करण मैं एक डॉक्टर और मुझसे ज्यादा शोर और कौन हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस फील्ड में नया नया आया, बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, तू टेंशन मत ले। और एक बात सुन, तू ना उस लड़की को कुछ भी करके मेरे क्लिनिक में ले आ, ठीक है? उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा, भरोसा रख मुझ पर। थैंक्स यार इतना सब करने के लिए। सही बात, उसे तेरे क्लिनिक लाने की, वो मैं ले आऊंगा। फिर तेरा जजमेंट है, जो कुछ तो बोलेगा वो ठीक है, लेकिन हाँ जब मैं आऊँ तो तू क्लिनिक में रहना, मुझे और किसी से नहीं मिलना, समझा? अरे बोला ना, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। और तू आ तो जा, इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। तेरे पास तो टाइम है नहीं दोस्तों से मिलने के लिए, अब काम के बहाने ही सही, तुझसे मिल तो लूंगा। तू ध्यान रख अपना, ठीक है? रखता हूँ, बाय। ये करण भाई कर क्या रहे हैं? कॉफी मग में तेल क्यों डाल रहे हैं? क्या हुआ? हम क्या दोस्त? मतलब कंप्लीट कर? हाँ। मगर किया कैसे? अरे वो इंजेक्शन देख के डर गई थी, वो डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाल लिया। बोला था ना सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे, और जैसे ही रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गई उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते। ब्लड टेस्ट से ना सबसे क्लियर रिजल्ट आते, तो एक बार ब्लड रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गई उसके बाद कोई नहीं झुकला सकता। सफा भाई मैं भी टीम में हूं, वेरी गुड। माय गॉड, मतलब करण जानबूझकर मुझे यहाँ पे लेकर आया, मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आने के लिए, और ये डॉक्टर भी इसकी प्लान में शामिल है।
ब्लड वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकती। अरे मेरे पास यहाँ कोई और है भी नहीं जिसकी ब्लड से इसे एक्सचेंज कर दूँ। और अगर इसे छुपा दी तो करण को सबूत मिल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह गॉड, क्या करूँ? सृष्टि, ये लड़की भी ना सारे कपड़े अंदर लाकर बेड पे फैला दिए। पता नहीं कब सुधरेगी। पता नहीं है इसे जैसे कि सूखे कपड़े बाहर से अंदर लाते हैं तो उन्हें तय करके अलमारी में रखते हैं। अब ऐसे ही मेरा काम बढ़ा दिया। लड़की भी ना दिमाग खराब कर। तुम्हारे पास दिमाग होता तो मैं खराब करता ना। तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। वो फरवरी की 30 तारीख की तरह उल्टा तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, समझी? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रॉमिस? व्हाट प्रॉमिस? बचर बट्टू, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है। यू नो आई हेट इट जब तुम बोलते हो दे करण लूथरा, दे करण। अरे कौन जानना चाहता है कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तो मैं जहाँ काम करती हूँ वो तुम्हारा घर है, इसलिए मुझे तुम्हें छेलना पड़ता है। हाय सोफिया। नो नो वे विरोल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो क्या नाम दे करण लूथरा, लड़की आगे पीछे घूमती रहती है, मेरा दिमाग खाती रहती है। नहीं मैं तो बस क्योंकि हम दोनों लड़ रहे थे ना, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लड़ाई है। लेकिन मैं बात कर रहा था। पहले तुम इस लड़ाई को खत्म करो जो तुमने शुरू की। ये है वो बॉम्ब जिसे मैंने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के पास भेजा है। परेशान लग रही हो प्रज्ञा? नहीं मैं ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। नो, तुम कुछ तो छुपा रही हो। तुम नहीं जानते तुम क्या करने वाले। तुम झूमर की रस्सी नहीं अभी और प्रज्ञा के बीच की डोर काटने वाले हो। अब होगा मेरा बदला पूरा। मैं नहीं जा सकता ना, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ रहना, हम दोनों की जान खतरे में। सर, अग्रज खिड़की से भाग गया। अमशो, वो वहीं गया होगा जहां उसने मुझे दफनाया था। नरेन, अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। आप राहुल के रूम में जाइए, मैं तब तक अंगराज के पास जाती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। हे, अरे आप शकुनी औरत, हमसे क्या पाप करवाओगी? इस पवित्र पूजा स्थल पर अगर विधवा का साया भी पड़ गया तो घोर अनर्थ होगा। अरे जो औरत दो दो पतियों को खा गई हो उसके हाथ से मंगल होगा? अरे तू जैसी कलंकिनी औरत को तो घर में स्थान नहीं दिया जाता, उसे शहर से बाहर भेज देते, विधवा आश्रम में उसके बाल काट दिए जाते हैं। नहीं है मूर्ति। ओए डिंगरे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर कौन कर सकता है ये काम? ये बोल कहाँ है मूर्ति? अंकल जी आप मेरी बात सुनिए। मैं कबीर अहमद बड़े परेशान दिख रहे हैं, लगता है उसे कोई पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं है कबीर कि तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब आगे आगे देखो हम क्या करते हैं, बड़ा मजा आएगा।